खीर बना रही हूँ। अभी आपने खीर में आपकी औरत की खीर आपको कैसे लगी? तो मम्मी बताएंगे अभी हुदापी का ससुराल कहाँ है। माँ के खाने की बुराई कर रही है। सेकंड शादी का दूल्हा कल आ रहा है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ अब्रे, मैं हूँ जिशान और हम हैं फोकस। सो गाइस, आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और आज पूरा व्लॉग हुदापी शूट कर रही है गाइस। yes. आप लोगों को हुदापी का मैसेज दिखाता हूँ। आप लोग तो, के बहुत मैसेज भी आ रहे हैं हुदापी का व्लॉग चैनल बनाओ, व्लॉग। हाँ, हम लोग बोले तो है उसको बना ले, लेकिन वो अभी कंफर्टेबल नहीं है बनाने में, तो सोचा हम लोग थोड़ा उसकी प्रैक्टिस हमारे चैनल पे ही करवा दे। तो हुदापी का जो पहला मतलब हुदापी ससुराल कहाँ गई है वो आप लोगों को व्लॉग के एंड तक के मैं बता दूंगा। तो हुदापी का आज थी यानी हुदापी की थी पहली रसोई, जो वो हुदापी ने उसका पूरा वीडियो लिया है, तो वो आप लोगों को वो आप लोग को बताएगी। हम लोग बहुत ज्यादा उसको बोले ना कि शक्कर दूध चावल दूध चावल दूध चावल, इस बार उसने कुछ देखो आप लोगों ने क्या बनाई है और घर वाले लोग का लोगों के क्या रिएक्शन था। मेरे को नहीं पता था वो इतने अच्छे से कर पाएगी, लेकिन आप लोगों को दिखाते चलो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुदा। मैं अपने ससुराल से बोल रही हूँ एंड गाइस मैं यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतनी सारी विशेज़ दिए हैं, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। मतलब आप लोगों के विशेस की वजह से मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़ी। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मुझे और रियाज को बहुत सारे विशेस दिए, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं यहाँ पर लिटरली मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सब मेरा ध्यान रखते हैं। मेरी जो सास है अम्मी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मैंने यहाँ पर अभी खीर बनाई थी कुछ दिन पहले, मतलब परसों मैंने जब यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ सबको बहुत पसंद है। लिटरली गाइस मुझे खीर बनाना नहीं आता है, बट वो खीर मुझे अम्मी ने सिखाया कि कैसे बनाते हैं एंड मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी खीर बनी थी, सबको बहुत पसंद आई वहाँ यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब सभी लोग बहुत अच्छे हैं। शान मेरी ननन वो भी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब अकेला यहाँ फील नहीं होने देती, ना वो ना मेहर मेरी भाभी मतलब छोटू की वाइफ है, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पर मतलब मैं अकेले रहती ही नहीं हूँ, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर अम्मी अब्बा शान छोटू तो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है, और मेहर और शान बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसे रहते हैं। हम लोग मतलब साथ में बहुत मस्ती भी करते हैं, हम लोग बाहर घूमने भी जाते हैं और मतलब बहुत मज़ा करते हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ना मतलब अपने घर की ज़्यादा याद नहीं आती है, मम्मी की भाई बहन की सबकी याद आती है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब इतना ख्याल रखते हैं ना, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। गाइज मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ पर आई हूँ शादी करके, आपको अब्रेश वो बता देगा कि हम लोग एक्चुअल में मेरी शादी कहाँ किए है, तो कुछ देर में आपको अब्रेश बता देगा। एंड गाइज मैंने जो खीर बनाई थी ना उसका रिएक्शन मैंने ली हूँ, तो वो भी आप लोग अब्रेश के चैनल पे देख लीजिए। मतलब अब्रेश अभी थोड़ी देर में आप लोगों को वो भी दिखा देगा। आप लोगों ने हुदापी का रिएक्शन तो देखे कि हुदापी बोल रही क्या क्या है। Yes. बापरे उसको हम लोग की याद आना भूल गए, कुछ दिन हुए उसको जाके। पल भर में कैसे बदलते हैं। हुदापी तू देख ही लेना ये वीडियो अभी, देखो तो मैं ये भेजने नहीं वाला, ये ब्लॉग में ही देखना पड़ेगा। देखो बुरा लगा, तकलीफ हुई, दर्द हुआ यहाँ पे, बचपन का साथ तूने पल भर में ऐसी। लेकिन अच्छी बात है, अच्छा अल्लाह का शुक्र है, इतना खुश है कि घर की याद नहीं रहती, तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो खुश है तो हम लोग खुश है गाइस। तो बस अभी ये क्या, अभी आप लोग दिखाते हैं कि हुदापी ने बनाई क्या थी, ठीक है? वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ हुदापी शिफ्ट कहाँ हुई है, या मतलब हुदापी का ससुराल का है। पहले आप लोग देखो कि हुदापी ने कैसा बनाई थी और कैसा कैसा करी सब। अभी क्या कर रहे हो आप? मैं खीर बना रही हूँ। अभी आपने खीर में क्या क्या डाला है? अभी कुछ नहीं करी, अभी सिर्फ दूध उबल रहा है और मैंने यहाँ पर छोटी इलायची और चावल पीस के रखी हुई यहाँ पर दूध में डालने के लिए। मम्मी ड्राई फ्रूट्स काट रहे। अच्छा आपको खीर बनाने आती थी पहले से? नहीं मुझे अम्मी ने सिखाया, अम्मी वहाँ ड्राई फ्रूट्स काट रहे, अम्मी मुझे बताते जा रहे कि क्या क्या करने का। यहाँ पर चावल भी ऐसे पीसने का था, मुझे नहीं पता था, अम्मी ने मुझे बताया कि ना इसमें इलायची डालकर चावल को अच्छे रवा की तरह पूरा पीसने का, और इसे पीस के इसलिए यहाँ पर अभी रखी मैंने। अभी यहाँ पर
हम लोग ये सब इसमें डालेंगे, फिर खीर बना के दिखाते हैं, फिर सबका रिएक्शन भी लेंगे। जब खीर बन जाएगा तब देखना। अब मैं ना सारे ड्राई फ्रूट्स अभी काट रहे और फिर हम लोग ये ड्राई फ्रूट्स है ना खीर के अंदर डालेंगे। अब्बा तुमको खीर कैसे लगी भाभी के हाथ की? अम्मी तुमको कैसी लगी? देखो कैसी लगी। और आपकी औरत की खीर आपको कैसे लगी? अम्मी की तरह मैं खाई। शान को कैसी लगी? अम्मी की तरह है लेकिन अच्छी है। यहाँ पर सबको लग रहा था कि अबरेश हाई फाइन लोग, सब लोगों को लग रहा था कि जैसे मैं वहाँ पर दूध चावल बनाती हूँ खीर नहीं बनाती हूँ, वैसे ही लोगों को लग रहा था मैं यहाँ पर भी वही करूँगी। बट नहीं, ऐसा नहीं था, दूध चावल नहीं बनी इस बार खीर बनी है। सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की खीर बनाने के लिए, सो थैंक यू अम्मी उसके लिए। एंड अब मैं कभी नहीं भूलूंगी कि खीर कैसे बनती है, मुझे हमेशा याद रहेगा। इस बार मैं घर जाऊंगी ना तो मैं खीर जरूर बना के खिलाऊंगी सबको। गाइस आप लोगों ने देखी उदापी ने कैसा एक एक चीज कवर करी है, बताइए आप लोगों को कितने अच्छे से उसने खीर बनाई। अल्लाह का शुक्र है सबको अच्छी लगी। और उदापी वैसे तो ठीक ठाक, कभी कभार ना बहुत अच्छा खाना पकाई थी उस दिन ना, खीर वाले दिन उदापी ने पकाई थी चिकन अंगारा भी, वो भी सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो उसका वो व्लॉग नहीं बनाई है, उसने सिर्फ खीर का ही बनाई है, उसका नहीं बताई। क्योंकि चिकन अंगारा तो वो अच्छा बनाती है। चलो अभी देखते हैं और क्या क्या बोली उसने। सिर्फ खीर ही नहीं, मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ बनाने के लिए। मतलब जैसे कि मुझे बहुत कम चीजें मुझे बनाने आती है, तो यहाँ पर मैं अभी और भी चीजें सीख रही हूँ। जैसे आज मैंने बैगन का भरता बनाई, मुझे मतलब मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता था, टेस्ट वैसा नहीं आता था, बट आज मैंने वो भी बनाई, मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा बना वो भी। और यहाँ पर मैं खट्टी दाल ये सब, मतलब यहाँ पर ये सब भी खाते हैं, यहाँ बहुत मज़ा आता है ये सब खाने के लिए। एक्चुअली मैं घर पे जितना पेट भर के नहीं खाती थी, यहाँ पर मैं खाती हूँ। मत बुला, मोटी हो के आएगी। मम्मी ने सुना वहीं पर मोटी हो के तो लेती है, यहाँ पे वो थोड़ा वो नाटक करके उसको बोलते रहो वहाँ पे है खिलाने वाले भाईजान जो है ना, उसको बिठा के खिलाते रहते कि खाए बगैर मैं बात नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ बोलूंगा, बोलते रहूंगा, खाते रहे। कहना नहीं सुनते, खाने को बोलते थे खाती नहीं थी। हाँ तो अभी अच्छा है कि वो खा रही है वहाँ पे। सुन के देखो और क्या क्या बोलिए। यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, दाल चावल भी बहुत मजे का यहाँ पर। तो माँ के खाने की बुराई कर रही है, मम्मी बना देते इतना अच्छा अच्छा खाना, और भी बातें खाती नहीं थी वो इतना अच्छा अच्छा खाना। मम्मी आपके खाने की बुराई चल रही है, देख रहे हैं आप, दुनिया सबको बता रही उदापे की खाना अच्छा नहीं पका देते आप। उदापी के ससुराल जाने के बाद भी भाई चढ़ाना नहीं छोड़ा। सो गाइज अभी वक्त आ गया, आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि उदापी का ससुराल कहाँ है। कमेंट एकदम सही किए गाइस आप लोगों ने। हाँ तो मम्मी बताएंगे अभी उदापी का ससुराल कहाँ है। गोवा चलेंगे। बचपन से सपना रहता हर एक कॉलेज वाले लोग का, मतलब कॉलेज का, हाँ हम लोग का भी था, इतनी बार प्लान बना हम लोग का गोवा जाने का, लेकिन देखो नसीब देखो, उदापी का प्लान नहीं बना, उदापी का प्लान नहीं बना, वो गोवा शिफ्ट ही हो गई। तो ऐसा था जो हमारे भाईजान लोग थे वो पहले इधर ही रहते थे मुंबई में, लेकिन उन लोग को काम की सिलसिले की वजह से उन लोग को गोवा शिफ्ट होना पड़ा, तो उन लोग प्रॉपर गोवा शिफ्ट हो गए। तो उदापी भी गोवा शिफ्ट हो गई है। कब जा रहे गोवा? चलो मम्मी गोवा में मिलते हैं। इंशाल्लाह जल्दी गोवा जाएंगे, बताएंगे उदापी सब चीज आप लोगों को, बीच में देंगे, बता के नहीं जाएंगे। हाँ तो उदापी ने एक और मैसेज भेजी है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं। सो गाइस अबरेश ने आप लोगों को बता ही दिया हुआ कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा ससुराल कहाँ है। मेरा ससुराल गोवा में है। सो गाइज अगर आप लोगों को मेरी अपडेट्स चाहिए तो फिर आप लोग अबरेश के ब्लॉग में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस बना के अबरेश के ब्लॉग पे दिखाऊँ। एंड थैंक यू सो एंड मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइज, आप लोग जब कमेंट करते हो, आप लोग कमेंट करो, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और कमेंट मतलब मैं वीडियोस ज़रूर बना मतलब मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी और अबरेश को भेजती रहूँगी, वो ब्लॉग में डालते रहेगा।
सो थैंक यू, इतना थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए, इतनी सारी विशेस के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस जैसे कि उदापी ने बोली है कि आप लोगों को हर एक चीज की अपडेट मिलती रहेगी, तो वो जरूर मिलते रहेगी। उदापी का क्या कर रही है, कैसा रह रही है। तो गाइस और एक चीज आप लोगों को बताना था कि सेकेंड शादी है गाइस। यस। तो सेकेंड शादी का दूल्हा कल आ रहा है। Yes. दूल्हे का फेस रिवील होने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि दूल्हे को देखना है कि नहीं देखना है। गाइस दूल्हे को हम लोग शॉपिंग कराने जाने वाले हैं। शॉपिंग कराएंगे, निकाह का कपड़ा, तो बहुत मजा आने वाली है गाइस। हल्दी फिर से डांस देखने का मौका मिलेगा आप लोगों को। हमारा डांस देखना है कि नहीं गाइस? ये बताओ कि वापस से धमाल मेरे दावा कमेंट आएंगे, कम से कम 1-2 हजार कमेंट चाहिए हम लोगों, तभी डांस करेंगे। और एकदम मजा आने वाली है इसमें, बहुत ज्यादा। स्टेप दिखाओ क्या गाइस आप लोगों को? हाँ वो चीज आप लोगों को पूरा ब्लॉग मिल जाएगा उसका। लेकिन चलो गाइस बस और चीज की अपडेट आपको दीजिए, बहुत सारे कमेंट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, कमेंट करो, मजा आता है, कमेंट पढ़ के मजा आता है हम लोग। यस, उदापी भी कमेंट पढ़ते रहती है, उदापी के लिए भी विशेष दो। उदापी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसको मोटिवेट इतना क्यों मिला मालूम? सिर्फ आपके कमेंट की वजह से, तभी वो वीडियो कभी आज तक कैमरे के सामने बैठी नहीं। खुद देखे हो, खुद देखे हो कैमरा पकड़ के, कभी वो बैठी है कुछ करी है कुछ नहीं। आप प्यार था जो उसने कैमरा पकड़ के इतना कुछ बोली और बना दी। तो अभी ब्लॉग यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, करते हैं हरकत, इसीलिए लोग हमें कहते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।